आपके बिना ये संसार संतप्त हो जाएगा, आप कृपा करके मत जाओ। उस समय भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया है और उस आश्वासन में कहा है, उद्धव मेरा संपूर्ण तेज एक जगह पर केंद्रित होगा, वह है मेरे चरित्र से संबंधित व्यक्तित्व का तेज और इसी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए भक्तों का व्यक्तित्व जिसका नाम भागवत है, उस भागवत में मेरा संपूर्ण तेज समाहित होगा। तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए कहते हैं, स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान ने अपना तेज जिस ग्रंथ में समाहित कर दिया, स्थापित कर दिया, वही है ये भागवत। और आपने सुना है, भगवान अपने प्राथमिक रूप में जब ये संसार अपने अस्तित्व में नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, एकमात्र इस जगत का नियामक, जगत का आधार, संकल्पक भगवान तो थे। उन भगवान के संकल्प से ही भगवान की महिमामयी माया शक्ति के साथ सहकृत होकर के इस जगत का एक विशेष सृष्टिक्रम की व्यवस्था है, उसके साथ इसका उद्भव हुआ। जब कुछ भी नहीं था, तब भी वह जगत के कारण के रूप में अपनी सत्ता में था। अपनी सनातन सत्ता में होने के साथ उसका निर्वचन हम किस रूप में करें, जिस रूप में भी किया जाए, वह अपने आप में वाणी का विषय नहीं बन पाता, शब्द की परिधि में वह घेरा नहीं जा सकता। अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया। इसी बात को श्रीमद् भागवत में बताया है, कहीं पर वह भगवान के रूप में, कहीं पर वह ब्रह्म के रूप में, और कहीं वह परमात्मा के रूप में बताया जाता है। भगवान के रूप में हम श्रीमद् भागवत के संदर्भ में उस तत्व को नारायण के रूप से कहेंगे। भगवान अवतरित होते हैं जिस रूप में, उस रूप को आप सभी ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के रूप में जाना। वही अपने मूल रूप में नारायण हैं। इस नारायण रूप के साथ ये श्रीमद् भागवत भगवान का एक वांग्मयी कलेवर है। भगवान
नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं, ये श्रीमद्भागवत कहते हैं। जब भगवान का तेज इसमें समाहित हुआ, स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान क्षीर सागर में सोते हैं, सागर उनका अपना निवास, आप सब पूर्ण विश्राम उस जगह पर पाते हैं जहाँ पर आपकी अपनी जगह होती है। पूर्ण विराम का अर्थ है अब वहाँ पूर्ण विश्राम है, और पूर्ण विश्राम तब तक नहीं घटित होता जब तक व्यक्ति पूरा का पूरा निश्चिंत होकर के लेट न जाए। लेटने को आप सो जाना बोलते हैं, सो जाने अर्थात लेट जाने में ही विश्राम नहीं है। विश्राम तो तब है जब आप बड़ी सहजता के साथ निश्चिंत भाव से परम सुरक्षित स्थिति में निद्राधीन हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सोने की व्यवस्था वहाँ पर करता है जहाँ पर वह अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चिंत हो। पूर्ण सुरक्षा व्यक्ति को वही मिलती है जहाँ पर व्यक्ति अपना मानता हो, अपना केंद्र मानता हो। और भगवान नारायण शयन करते हैं क्षीर सागर में। शयन करते हैं तब वहाँ रहते हैं, और जब वे जगे हुए होते हैं तब भी वहाँ होते हैं। ये श्रीमद्भागवत भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप होने के साथ इसको वांग्मयी भगवान की मूर्ति के रूप में बताया गया। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। पद्म पुराण में श्रीमद्भागवत का वंदन किया है। श्रीमद्भागवत को द्वादश स्कंधों में बताते हुए प्रथम और दूसरा स्कंध भगवान का चरण है, तीसरा और चौथा स्कंध भगवान का उरुप प्रदेश है, पांचवा स्कंध भगवान की नाभि है, छठा स्कंध भगवान का वक्षस्थल, सातवां और आठवां स्कंध भगवान की दो भुजाएं हैं, नवा स्कंध भगवान का कंठ प्रदेश, दसवां स्कंध भगवान का मुखारबिंद, ग्यारहवां स्कंध भगवान का ललाट और बारहवां स्कंध भगवान का शिरोभाग है। हमारी आपकी पहचान, पूर्ण पहचान पैरों से लेकर सिर तक की व्यवस्था में है। आपाद मस्तक भगवान का स्वरूप बताते हुए पद्म पुराण में भगवान का
वंदन किया है, हम आप सब वंदन कर लें और बढ़ा पादो यदि यो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपटं शिरोऽपि यद्वा दश एव भाति। इस तरह से भगवान के अंगों के साथ द्वादश स्कंद रूप इस श्रीमद्भागवत ग्रंथ को विशेष रूप से विग्रह का रूप ध्यान में रखते हुए वंदन करते हैं। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। अब प्रश्न यह है, अगर ये वांग्मयी रूप है तो इस श्रवण के साथ कल्याण करेगा, श्रवण से कर्ण रंध्र से हमारे अंदर ये चरित्र के रूप में चित्रित होता हुआ हृदय में अंकित होगा। श्रवण के रूप से यह आपके अंतस में कैसे अंकित होगा और अंकित होने के साथ जो चरित्र नायक है उसने कहा है, शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यवद्राणी विधुनोति सुहर्षताम्। सूत जी महाराज ने कहा है, जो श्रीमद्भागवत की कथा के मुख्य प्रवक्ता हैं, पुण्यश्रवण कीर्तनः, भगवान श्रवण और कीर्तन दोनों से ही पुण्य स्वरूप हैं, पुण्य प्रदान करने वाले हैं। श्रृण्वतां स्वकथां कृष्णः, अपनी कथा को ध्यान दें, आप जब कथा सुनते हैं तो आप श्रोता हैं और जब आपके अंदर शब्द एक विशेष भाव के साथ हृदय में जाता है तो उसके दृष्टा भगवान स्वयं बन जाते हैं।
भगवान के चरित्र भागवत, जिसमें भगवान अकेले नहीं हैं, भगवान से जोड़ने वाली सेतु रूप में भक्ति है। और जब भक्ति का उदय होता है, तभी भगवान के चरित्र को सुनता हुआ कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वह भक्त बन जाता है। और जब भक्त बन जाता है, तो इसी के साथ वह भगवान के साथ जुड़ जाता है। भगवत ये जो मूल शब्द है, उसके साथ वह जुड़ करके भागवत बन जाता है। और जब भागवत बनता है, तो भगवान से अलग कैसे रह सकता है? भगवान की महिमा उसके अंदर के तमाम कलमश को धो डालती है, और भगवान अपने तात्विक स्वरूप का उस हृदय में प्रकाश कर देते हैं। यह है भागवत श्रवण की विशेष महिमा। इस भागवत श्रवण की विशेष महिमा के लिए कहा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब भागवत श्रवण का अवसर मिलता है। ध्यान देना सज्जनों, आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, आपको आने की यहाँ पर इच्छा पैदा हुई, और आने के साथ ये भी सच है, अगर आपका मन नहीं होता तो आप यहाँ पर नहीं आए होते। आप आए हैं किसी दूसरे के मन से नहीं। आने के बाद आप बैठेंगे यहाँ पर किसी दूसरे के मन से नहीं। ये मन जो संसार में चलाता रहता है, अगर भगवान के साथ ये जुड़ा नहीं, तो ये मन संसारी ही बना रहता है। और जब मन भगवान से जुड़ जाता है, अध्यात्म शास्त्र से जुड़ जाता है,